नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ मेघा कौशिक। दोस्तों, हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया, बताते हैं आपकी परेशानियों का हल। क्या नया होने वाला है आपके दिन में? आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा? साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। सूर्य के कारण ही जीवन है, नहीं तो हर जगह अंधकार होता। सूर्य की आराधना से आपके यश, सम्मान, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो सूर्य देव अब अपनी स्थिति बदल रहे हैं। सूर्य की स्थिति में बदलाव का प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है जानेंगे और साथ ही बताएंगे आपको गुड लक टिप्स भी। और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं क्या प्रभाव होने वाला है आपकी राशि पर। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का मां लक्ष्मी का मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य आत्मा है, पिता है, हमारे पूर्वज है, राज्य सम्मान है, हमारे नेत्र है और राजनीति इत्यादि का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य के शुभ प्रभाव से अलग अलग नौकरियों में, सेवाओं में, सरकारी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। सूर्य के प्रभाव से ही कोई कलेक्टर बनता है, सूर्य के प्रभाव से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है, सूर्य के प्रभाव से ही कोई सैनिक बनता है, राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान मिलता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से अपमान मिलता है, अपयश मिलता है, आंखों को पीड़ा मिलती है, पिता को कष्ट मिलता है, पितृदोष की स्थिति निमित्त होती है। तो दोस्तों, आज दिनांक 15 जून 2018 शुक्रवार को भगवान सूर्य देव दोपहर 11:37 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई 2018 तक मिथुन राशि के अंदर ही गोचर करेंगे। इस दौरान बुध भी सूर्य के साथ रहेंगे, तो सूर्य और बुध मिलके बुध आदित्य योग बनेगा अमृत सिद्धि योग के अंदर। तो सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के दौरान, बुध आदित्य योग के दौरान सभी राशियों पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा। सूर्य के मिथुन राशि में होने वाले गोचर का आप सभी की राशियों के ऊपर इंपैक्ट होगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन, यूं कहूं महाराशि परिवर्तन, किन लोगों को बनाएगा अमीर, किनके पास होगा गाड़ी, बंगला, पैसा। तो शुरुआत करते हैं आज के विशेष सूर्य राशि परिवर्तन स्पेशल एपिसोड के साथ, राशिफल के साथ, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि से थर्ड हाउस के अंदर गोचर करेगा, संचरण करेगा। इसका सीधा जो इंपैक्ट है वो आपके पराक्रम पर पड़ेगा, मेहनत पे, हार्डवर्क के ऊपर पड़ेगा। आप दिल और दिमाग दोनों से मजबूत बनेंगे, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलेंगे। हां, आपको अपनी वाणी पर, अपनी जिह्वा पर यू हैव टू कंट्रोल, अदरवाइज आपकी एक नेगेटिव छवि बन सकती है, नकारात्मक छवि बन सकती है, कुछ नए कॉन्टेक्ट बन सकते हैं। उपाय, एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में धारण करना है, निश्चित तौर पर सूर्य का राशि परिवर्तन आपको शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण करेगा। सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, इट विल बी मच बेनिफिशियबल फॉर यू, आपके लिए फायदेमंद रहेगी, आमदनी में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ती हुई दिखेगी। और हमारे जो दोस्त लोग प्रॉपर्टी के कामों के अंदर लगे हुए हैं, जिनका बिजनेस है व्यापार, उनको फायदा होगा।
यू हैव टू केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, सेहत का ध्यान रखिएगा और किसी भी तरह के वाद विवाद को अपने से दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। उपाय क्या करना है, माँ गायत्री की आराधना करनी है, रविवार के दिन कमल का पुष्प अर्पण करना है और प्रतिदिन 11-21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, सूर्य आपकी राशि के अंदर ही गोचर करेगा और प्रथम भाव में स्थित होगा। जब सूर्य लग्न के अंदर आ जाए तो थोड़ा सा एग्रेसिव करवा देता है, उग्रता करवा देता है, गुस्से में ले आता है, तो अपना सौम्य सॉफ्ट नेचर को बनाए रखिए। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग हेल्थ आल्सो, बुखार सिर दर्द इत्यादि समस्या से भी परेशान आपको हो सकता है, आपको गुजरना पड़ सकता है। अदरवाइज सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चूंकि बुध की राशि है, निश्चित तौर पे प्रॉफिटेबल रहेगा लाइफ के हर सेक्टर पे। उपाय क्या करना है, रविवार के दिन जरूरतमंद हॉस्पिटल में चले जाइएगा, जहां जरूरतमंद मरीज दिखे, जिसको दवाओं की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, जूस की जरूरत है, जो भी उसकी जरूरत हो उस मरीज को, बीमार व्यक्ति को, वो आप दान कर दीजिएगा, निश्चित तौर पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। जी मेष वृषभ मिथुन आपके लिए तो हमने जान लिया, आगे की राशियों की भी बात करेंगे कि सूर्य का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। पंडित जी उषा जी जुड़ गई हैं जयपुर से। उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। मेरी बेटी है, उसका नाम हर्षा है। जी डेट ऑफ बर्थ बताए। 4 अगस्त जी 1994। समय बताए। 9:36 सुबह को। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। हाँ मेरी बेटी की जॉब के बारे में पूछना था। देखिए उषा जी, आपकी जो बच्ची है जन्म कुंडली के अंदर अगर देखें तो गुरु की मां दशा इस बच्ची को चल रही है, गुरु की मां दशा में भी शुक्र का अंतर इस बच्ची को चल रहा है। इस बच्ची के साथ में जन्म कुंडली में टेक्निकल शनि स्वग्रही है, निश्चित तौर पर बच्ची आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी क्या होता है, भगवान परीक्षा लेता है और हमें उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि शायद हमारा भाग्य हमसे रूठा हुआ है, लेकिन जीवन में कुछ लोगों को थोड़ा देर से मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। इस बच्ची की जन्म कुंडली में पिछले 1.5 साल से गुरु की मादशा और शुक्र का अंतर, शुक्र इसकी कुंडली में भाग्य स्थान का नीच का होके बैठा है। कहीं ना कहीं ये बच्ची जो डिजर्व करती, जो मेहनत करती है, उस मेहनत के हिसाब से इस बच्ची को वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो ये चाहती है या जो डिजर्व करती है। बाकी इसकी जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग का होना और दूसरा इसके नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है बुध का अस्त होना। खूब हरे कपड़े पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए, हरी चादर पे सोइए, साल में एक बार आपके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में अवश्य करिए, हर शुक्रवार को अपने हाथ से छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट अवश्य दीजिए और हर शुक्रवार को माता के मंदिर में दर्शन अवश्य कीजिए। जहाँ तक हमें आपकी कुंडली के हिसाब से लगता है कि आपकी सरकारी नौकरी का योग जो है इस वर्ष के अंत तक नहीं तो अगले वर्ष की शुरुआत में 2019 जो है दैट विल बी द चेंजिंग ईयर ऑफ द योर लाइफ, आपका जो लक फैक्टर है 2019 के अंदर पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। कोई देर नहीं हुई है, यू हैव टू फोकस ऑन योर जॉब एंड यू एंड फोकस ऑन योर स्टडीज एंड कंपटीशन। माता रानी आपके लिए सब अच्छा करेगी और आपका करियर बहुत अच्छा होगा, हमारा शुभ आशीर्वाद हमेशा बेटा आपके साथ रहेगा। जी पंडित जी एक और कॉल ले लेते हैं जो कि सुनीता जी मकराना से करती हैं। अपनी बेटी का ये डेट ऑफ बर्थ भेजती हैं 17 फरवरी 1993 और समय बताती हैं 5:20 का शाम का। साथ ही मैं किसी लड़के की डेट ऑफ बर्थ भी भेजी है, शायद कुंडली मिलवाना चाहती हैं, 4 अप्रैल 1992 और 5:15 का सुबह का टाइम बताती हैं। सुनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। कुंडली का टाइम भेजा मैंने। आप लड़के का एक मिनट वापस बताएंगे। लड़के का नाम है संकेत। हाँ समय तारीख बताएं। 4 अप्रैल 1992। समय सुबह का 5:15। सुबह का 5:15 का। स्थान अकोला। अकोला महाराष्ट्र। देखिए बच्ची की वैसे तो इसमें कुंडली में 32.5 गुण मिलते हैं दोनों की,
मैचिंग तो अच्छी आती है, लेकिन सिर्फ ये है कि दोनों बच्चे मांगलिक हैं, बच्ची भी अपनी मांगलिक है और लड़का भी मांगलिक है। कुंडली में इस बच्चे की सिर्फ एक बुध नीच का है, बाकी हमें लगता है कि इट्स ए गुड मैचिंग, वी कैन कंसीडर बुध की शांति करवा के और इस ऑप्शन को कंसीडर किया जा सकता है। जो तीन चीज़ें हम देखते हैं कभी भी अपनी लड़की को किसी घर में देना है तो वहाँ तीन चीज़ें मुख्य रूप से देखा जाता है। पहली चीज़, लड़का जो हम ला रहे हैं उसकी कुंडली में पूर्ण संतान सुख होना चाहिए, दूसरा आयु सुख होना चाहिए और तीसरा लड़के का करेक्टर अच्छा होना चाहिए। इस बच्चे की कुंडली में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इसके संतान घर का जो स्वामी है वो बुध इसकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है। तो खाली अगर एक ग्रह का हम थोड़ा सा उपाय करवा के इस ऑप्शन को कंसीडर करें तो निश्चित तौर पे ये अच्छा संबंध साबित हो सकता है। फिर भी आपके पास मेरा नंबर भी है, इस बच्चे का एक फोटोग्राफ भी भेज दीजिएगा अगर आपके पास हो, तो फिर मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। जी, तो दर्शकों अगर आपकी भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क सिंह और कन्या आपकी बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में क्या अंतर आने वाला है, क्या प्रभाव डालने वाला है सूर्य का राशि परिवर्तन। चलिए बात करते हैं हमारे जो कर्क राशि वाले जो दोस्त लोग हैं कि सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगा। सूर्य का महाराशि परिवर्तन जो है आपकी राशि से 12वें भाव में होगा, 12th हाउस में सूर्य बैठेगा, निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बना सकता है। और यदि आप कोर्ट कचहरी के मामलातों में उलझे हुए हैं तो कोर्ट कचहरी की जो मैटर्स है उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से अपने आप को दूर रखिएगा अगले 1.5 महीने। किसी की जमानत मत लीजिएगा, किसी की गारंटी मत लीजिएगा अगले 1.5 महीने। बाकी सब कुछ अच्छा होगा, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। उपाय, भोलेनाथ का छाछ से रविवार के दिन छुट्टी रहती है आपके संडे को, तो संडे को शंकर भगवान के मंदिर जाना है, छाछ से अभिषेक करना है, जीवन में जो आपके अमंगल हो रहा है वो मंगल में बदलेगा, दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदलेगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दोस्त लोग हैं, सूर्य आपकी राशि से 11th हाउस के अंदर गोचर करेगा, प्रवेश करेगा, संचरण करेगा, और 11th हाउस में सूर्य की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। मेरा ये मानना है कि जो सिंह राशि वाले जो हमारे दशक है उनका भाग्योदय हो सकता है, लक फैक्टर विल सपोर्ट यू, उच्च लाभ का आपको प्राप्ति हो सकती है। आपकी जो छवि, आपकी जो इमेज है, आपके काम के फोकस से, आपके हार्डवर्क से वो आपकी जो छवि है, जो आपकी इमेज है वो चमकेगी, ब्राइट होगी, प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके रिलेशन बन सकते हैं। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन केसर का तिलक लगाइए मस्तक के ऊपर, निश्चित तौर पर सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपको शुभ परिणाम देगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दशक है, सूर्य आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर प्रवेश करेगा, 10वां घर कार्य क्षेत्र का, निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट आएगा, वर्किंग सेक्टर में तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, नौकरी में आ रही जो अड़चने खत्म होगी, हमारे नौकरी पेश जो बेरोजगार दर्शक हैं उनको नौकरी मिल सकती है, आपके प्रोफेशनल स्टेटस में भी वृद्धि होने की पूरी पूरी संभावना है, विदेश के व्यापार से आपको मुनाफा प्राप्त हो सकता है। क्या करें, कठिन परिश्रम करें, और क्या करें, अपने काम को प्राथमिकता दें, और क्या ना करें, दूसरों की बातों में टांगे ना अड़ाएं। उपाय, रविवार के दिन गौ सेवा का नियम ले लीजिए, जीवन के अंदर सूर्य कभी आपसे रुष्ट नहीं होंगे और अपनी पूरी प्रसन्नता आपके ऊपर बनाए रखेंगे। जी बिल्कुल, आगे भी 6 राशियों के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए गुड लक टिप्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, सूर्य राशि परिवर्तन की आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी दशा या अपनी चाल बदलता है तो जीवन पर बहुत से प्रभाव पड़ते हैं और ये आपके जीवन पर अच्छे प्रभाव भी डालते हैं और बुरे प्रभाव भी। तो पंडित जी आज आपको उपाय भी साथ के साथ बताते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु आपके लिए जान लेते हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है सूर्य का राशि परिवर्तन। चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि
सूर्य का महाराशि परिवर्तन जो आज दोपहर 11:37 पर होने जा रहा है मिथुन राशि में, उसका आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राशियों के अनुसार उसका क्या प्रभाव है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सूर्य आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर गोचर करेगा, संचरण करेगा। 9th हाउस इट्स डायरेक्टली इंपैक्ट टू योर लक फैक्टर, आपका भाग्य जो है वो आपका साथ देगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, रुतबा भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और प्रोफेशनल जो स्टेटस है आपका उसके अंदर एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। सरकार अथवा उच्च अधिकारियों से आपको किसी तरह का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। क्या करें, सबको खुश रखें, और क्या ना करें, गलत बयानी ना करें। उपाय, सूर्य देव को जल का अर्ध प्रदान करिएगा पूरे अगले 1.5 महीने, वैसे तो लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, निश्चित तौर पर सूर्य भगवान आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर जाएगा। 8वां जो सूर्य होता है, अष्टम भाव में जब सूर्य होता है तो वो थोड़े अशुभ फल प्रदान करता है, आपकी राशि के लिए सूर्य अशुभ फल दे सकता है। इस कारण आपको अलर्ट रहकर हर काम को करना है, अलर्ट मतलब कंसंट्रेट करिएगा, वरना हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। मसालेदार भोजन से बचिएगा, दूसरों के साथ बहसबाजी मत करिएगा, जुआ सट्टा लॉटरी फाइनेंशियल लॉसेस से बचिएगा, कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है इसलिए एडवेंचर मत कीजिएगा, कोई कहे मैं बड़ा तो कह दीजिएगा हाथ जोड़ के भाई तू बड़ा। अगर इस फलसफे को लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। उपाय, रविवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइएगा, गेहूं का दान कीजिएगा, सब कुछ मंगल होगा। बात करते हैं धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर संचरण करेगा, सूर्य के कारण खुशी मिल सकती है, कार्यों में सफलता मिल सकती है, सूर्य का यह गोचर शुभ संकेत दे रहा है। विवाह योग्य हमारे जो दर्शक हैं, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी के अंदर बदलाव की संभावना है, हेल्थ से जुड़ी समस्याएं स्पेशली पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। उपाय क्या करना है, तांबे के कलश में शुद्ध जल भरिएगा, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला दीजिएगा और सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, निश्चित तौर पर सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ परिणाम देगा। जी, तो पंडित जी आपको सभी को उपाय भी बताते जा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या कुछ करना है और क्या कुछ ध्यान रखना है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, एक कॉलर ले लेते हैं, शैलेंद्र जी हैं जो गंगापुर सिटी से हमें कॉल कर रहे हैं। 12/8/1995 ये डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और 6:55 सुबह का टाइम बताते हैं। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी जॉब के लिए पूछना चाहते हैं। देखिए बेटा शैलेंद्र, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा में भी अभी जो है वो चंद्रमा का अंतर मई में खत्म हुआ है, उसके बाद मंगल का अंतर शुरू हुआ है, निश्चित तौर पे आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। अभी वैसे आप बहुत छोटे हैं, अगर आप प्रयास करें अगले वर्ष 2019 के अंदर आपकी नौकरी निश्चित तौर पे लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि एक तो चंद्र और शनि बोथ आर सिटिंग टुगेदर, चंद्र शनि जब साथ बैठते हैं तो विष योग बन जाता है, उस विष योग की एक बार योग्य आचार्य के निर्देशन में आप पूजा करवा लीजिएगा। दूसरा आपका शुक्र, जो नौकरी के घर का स्वामी शुक्र है, वह अस्त है, हर शुक्रवार को माता जी के मंदिर में, देवी माँ के मंदिर में दर्शन करिए और छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए। मंगलवार के दिन संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो हनुमान चालीसा नियमित रूप से करनी है। 2019 में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, इसमें कोई दो राय। चलिए दर्शकों, आखिर की 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन आपके राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है सूर्य, और साथ ही उपाय भी जान लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सूर्य आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करेगा, 6th हाउस। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं,
उनके लिए जो समय है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जो प्लानिंग्स हैं, आपकी जो योजनाएं हैं, वो सक्सेस होंगी, फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलेगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा और स्ट्रेस को एक कोने में रखते हुए, तनाव को एक कोने में रखते हुए, साइड में रखते हुए अपने वर्किंग सेक्टर में सक्सेस पाने के लिए डटकर मेहनत कीजिएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा, फोकस बनाए रखिएगा। उपाय क्या करें? रविवार के दिन बैल को गेहूं और गुड़ खिलाइएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सूर्य आपकी राशि से फिफ्थ हाउस के अंदर गोचर करेगा। सूर्य एक सामान्य पोजिशन में है, जितना काम करेंगे उतना लाभ मिलेगा। अहंकार तकरार से बचिएगा। हमारे जो अविवाहित दर्शक हैं उनका विवाह तय हो सकता है। उपाय, रविवार के दिन अनाथाश्रम चले जाइएगा, चावल की बोरी का दान कर दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। बात करते हैं हमारी जो अंतिम राशि है वो मीन राशि। सूर्य आपकी राशि से फोर्थ हाउस के अंदर संचरण करेगा, गोचर करेगा। मीन राशि के जो दर्शक हैं उनके लिए सूर्य थोड़ा सा अशुभ योग बना रहा है, सावधान होकर काम कीजिएगा दोस्त लोगों, तभी फायदे में रहोगी। रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कीजिएगा, चुनौती से निपटने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प के साथ में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना होगा, अपने आप को प्रिपेयर रखें। उपाय, रविवार के दिन अंधे बच्चे अगर मिल जाए या अंधे बच्चों का अनाथाश्रम मिल जाए, आइसक्रीम खरीद के ले जाइएगा बाजार से और अंधे बच्चों को आइसक्रीम खिला दीजिएगा, देखिए सूर्य भगवान आपके ऊपर कैसे कृपा दृष्टि बना। जी, राशियों की बात हो गई है, मिला जुला प्रभाव डालने वाला है सूर्य। पंडित जी, आप बता रहे हैं सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है, तो क्या कुछ दान करना चाहिए और उसका क्या फल प्राप्त होगा, आज इसी पर आज गुड लक टिप्स जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज आषाढ़ संक्रांति में सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आषाढ़ संक्रांति आज दोपहर 11:37 पर आरंभ होकर 15 मुहूर्त की होगी। इस संक्रांति का स्नान और पुण्य काल आज शाम को 6:01 तक रहेगा। आज आषाढ़ संक्रांति के दिन तीर्थ स्नान करना, जाप करना, पाठ करना, दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। संक्रांति का दिन हो, पूर्णिमा का दिन हो, चंद्र ग्रहण का दिन हो, तीनों ही समय में यथाशक्ति दान करते रहना चाहिए। जो तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते हो उन्हें अपने ही घर में स्नान दान कर लेना चाहिए। आज संक्रांति के दिन कुछ मीठा बनाइएगा, भगवान को प्रभु को भोग लगाइएगा और वो भोग परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में सभी को बांटिएगा। आज ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, छाते का दान कीजिएगा, खड़ाऊ का दान कीजिएगा, आंवले का दान कीजिएगा, आम के फलों का दान कीजिएगा, खरबूजे का दान कीजिएगा, फल वस इत्यादि का दान कीजिएगा, मिठाई का दान कीजिएगा, दक्षिणा का दान कीजिएगा और यथाशक्ति दान करके आज एक समय भोजन कीजिएगा। निश्चित तौर पे आज नियम पूर्वक ये धर्म कार्य करने से आपको विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं मिथुन संक्रांति का देश दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आज 11:37 पर जो संक्रांति है, वार नाम संक्रांति, वार नाम जो संक्रांति है उसका नाम है मिश्रा। यह मास पशुपालकों के लिए अच्छा रहेगा। नक्षत्र नाम जो है वो महोदरी है। नक्षत्र नाम कौन सा है? महोदरी। उससे आने वाले समय में असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रजा को परेशान किया जा सकता है। इस बार संक्रांति का जो वाहन है वो वरा है और उपवाहन वाहन जो है वो है बैल। सर्प जाति की जो संक्रांति है, अपने शरीर के ऊपर लाल चंदन का लेप लगाकर, नीले रंग के वस्त्र धारण करके, वकुल के पुष्पों की माला को धारण करके, हाथ में तलवार लेकर, तांबे के पात्र में भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन करते हुए अपनी गतालका अवस्था में दिन के द्वितीय भाग में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो मास है, पर्टिकुलर हमारे जो लेखक दर्शक हैं,
पत्रकार जो दर्शक हैं, मीडिया जगत से जुड़े जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए विशेष रूप से सावचेत रहने का है। इसीलिए इसके लगने से एक दिन पहले कल कश्मीर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। ये संकेत है संक्रांति का। शास्त्र कभी भी गलत नहीं कहते हैं। धान्यादि के भावों में मंदी का संचार होगा। वाहन अस्त्र से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों के लिए, विशेषकर कपड़े से संबंधित वाले जो हैं, उनके लिए महीना हल्का साबित होगा। राजस्थान के अंदर खंडित वर्षा के योग बन रहे हैं, दक्षिण भारत के अंदर पूर्ण वर्षा के योग बन रहे हैं। तो इस प्रकार मिथुन संक्रांति जो है वो आपके ऊपर और देश दुनिया के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो है मिले जुले जो है वो परिणामों का असर डालेगी। जी, तो बिल्कुल हमें ये तो पता चल गया मिथुन संक्रांति पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है देश और दुनिया पे, साथ ही ये भी जान लिया कि दान क्या कुछ करना है। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।